केरला का ये कहानी है इसी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उरुमान्नयूर की। इसमें स्थित है ब्लॉक चावाकार, जो कि 13 वार्ड्स में बंटा हुआ है, जहां पर सब ने मिलजुल कर अपनी मुश्किलों को किनारे लगा दिया और सीढ़ी दर सीढ़ी नई ऊंचाइयों को छुआ। आसमान से बरसने वाला पानी जब रसोई तक पहुंचा, तो यहां के हर ग्रामवासी का सपना साकार हो उठा। हमारे कुओं के पानी में पीलापन था और वो नमकीन था। हम उस पानी का खाना पकाने और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे, बल्कि हमें दूसरी जगहों से खाना पकाने के लिए पानी लाना पड़ता था। हरियाली से भरपूर उरुमान्नयूर गांव के चारों ओर पानी ही पानी है। गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं रही, मगर इसी वजह से यहाँ का जीवन मुश्किलों से भी घिर गया। ये पानी पीने लायक नहीं था, ये पानी खारा था। इसे कुछ गिने चुने कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। खारा होने की वजह से इंसान तो क्या, पशु भी इसे पीना पसंद नहीं करते थे। पानी में रहकर भी प्यासे रह जाने का दर्द इस गांव के बाशिंदों से ज्यादा भला कौन समझ सकता है। पीने के पानी के लिए गांव वालों को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी। फिर कुछ यूं हुआ कि एक दिन उम्मीद की एक किरण ग्राम उरुमान्नयूर में पहुंची। ग्राम पंचायत के लिए जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से एक सूचना आई। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे उरुमान्नयूर गांव के जनजीवन को पटरी पर ला दिया। नई प्रशासनिक काउंसिल ने गठन के बाद बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस प्रोजेक्ट की गतिविधियां बेहतर हैं। जब माझा पोलिमा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब हमें कलेक्ट्रेट ऑफिस बुलाकर वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी दी गई। लंबे समय तक पानी को किस किस तरह से बचाया जा सकता है, साफ रखा जा सकता है, इस बारे में बात हुई। हमारी पंचायत के साथ समस्या ये है कि हम चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं और ये पानी नमकीन है और पानी में खारापन भी है। यहाँ ऐसे हालात थे जहाँ कोई भी पानी नहीं पी पाता था, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट को हम करते हैं तो पानी के भारीपन में कमी आएगी। जब बारिश अच्छी तरह से हो चुकी होती है तो दबाव के कारण पानी नीचे गहराई में चला जाता है और शुद्ध पानी ऊपर आ जाता है। ये पानी हल्का भी होता है और इसमें नमक की मात्रा कम होती है, इससे धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है। ग्राम पंचायत की मदद से शुरू में सभी 13 वार्डों के 50 घरों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया। धीरे धीरे पूरे गाँव को यकीन हो गया था कि बरसात के पानी को खुले कुओं में इकट्ठा करके जिंदगियों में पसरे खारेपन को दूर किया जा सकता है। सन 2015-16 के दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन को ग्राम सभा के एनुअल प्लान में शामिल कर लिया गया। बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत हो चुकी थी। महिलाओं ने इसके लिए खास उत्साह दिखाया। जब मैंने पंचायत से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर हम वर्षा जल संचयन करेंगे तो समस्या का हल हो जाएगा। शुरू में तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, पर पंचायत ने हौसला दिया और हमने कर दिया। हमें उन घरों से अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली जहां ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। इसलिए हम अपनी पंचायत में ऐसे घरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनके पास ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अपने कुएं हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारे घर से हुई थी। इसके बाद ही गांव के बाकी घरों ने वर्षा जल संचयन शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी को भी कोई एतराज नहीं हुआ। इसके शुरू होते ही लोगों ने कुओं से पानी खींचना शुरू कर दिया। पानी से जुड़ी सब समस्याओं को पूरी तरह से कम कर दिया गया है और हमें अपनी जरूरत का पानी मिल रहा है। अब पानी का रंग बदल गया है। रूफटॉप यानी छत पर बरसने वाले पानी के संचयन की योजना बनाई गई। कम खर्चीले और अधिक कारगर तरीके को अपनाया गया। जो लोग खर्च नहीं कर सकते थे, उनके लिए ग्राम पंचायत और जिला कलेक्ट्रेट की ओर से सब्सिडी दी गई। आज बरसात का पानी पीवीसी पाइप के जरिए सीधे कुओं में जमा होता है। हर घर की छत पर अब सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं गिरती, खुशियों के मोती बरसते हैं। अब बादलों के बरसने की देर होती है और उरुमान्नयूर का जनजीवन अपनी रवानगी में बहने लगता है। गांव के कुछ लोगों को पहली बार पता लगा था कि बरसात का पानी कीटाणुओं से मुक्त, खनिज पदार्थ मुक्त और हल्का होता है।
अब मैं हर तरह की सब्जी और वो सब उगा सकती हूँ जो मेरे घर के लिए जरूरी है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद अब हमें शुद्ध पानी मिल पा रहा है और इसलिए ये हमारे लिए बहुत मददगार रहा है। हमारी गायें अब पानी पीने में सक्षम हैं और पहले के मुकाबले वो अधिक दूध दे रही हैं। अब हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब हम अच्छा पानी पी रहे हैं। समूचा गांव अब जान चुका है कि वर्षा जल संचयन बाढ़ जैसी आपदा के खतरे को भी कम करता है। आज गांव जान चुका है कि जमीनी पानी की गुणवत्ता को, विशेष तौर पर जिसमें फ्लोराइड तथा नाइट्रेट हो, वर्षा जल संचयन के द्वारा सुधारा जा सकता है। हर ग्रामीण ने समझ लिया है कि सीवेज और गंदे पानी में उत्पन्न जीवाणु और अन्य अशुद्धियों को अब वर्षा जल भंडारण करके काफी हद तक कम किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए ग्राम पंचायत उरमानेयूर सिर्फ जल का ही संचय नहीं कर रही, यहाँ संचय हो रहा है मुस्कानों का, गांव के आत्मसम्मान का और आने वाले सुनहरे कल का।